लोकसभा चुनाव की तैयारी बीजेपी जिस तरह से कर रही है शायद ही कोई और दल कर रहा है। यही वजह है कि बीजेपी ने अब तक अपने उम्मीदवारों की 5 सूची जारी कर दी है। लिहाजा हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर भी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। इस बार हरियाणा में बीजेपी किस रणनीति के तहत चुनावी समर में कूद रही है, सभी 10 सीटों पर जो प्रत्याशी उतारे गए हैं उसके लिहाज से इन सीटों पर क्या समीकरण है, इस रिपोर्ट में बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं देवेश यादव और आप देख रहे हैं TV9। हरियाणा में इस बार बीजेपी ने अपने 4 सांसदों पर दोबारा विश्वास जताते हुए उन्हें मैदान में उतारा है। वहीं कुछ बड़े नेताओं के टिकट भी काटे हैं। राज्य में 10 में से 5 सीटों पर बीजेपी ने नए चेहरों को मौका दिया है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी के रणनीतिकारों ने हर सीट पर अलग स्ट्रेटजी बनाकर उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए हैं। सीटवार आपको बताएं तो फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर को टिकट दिया गया है। गुरुग्राम से केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह यादव को लगातार 3री बार मौका दिया गया है। वहीं करनाल में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को टिकट दिया है। उधर सोनीपत के सांसद रमेश चंद्र कौशिक का टिकट काटकर मोहनलाल बड़ौली को उम्मीदवार बनाया है। तो रोहतक से वर्तमान में सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा को रिपीट किया है। वहीं भिवानी महेंद्रगढ़ से लगातार 3री बार चौधरी धर्मवीर सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है। कुरुक्षेत्र सीट से नायब सिंह सैनी सांसद थे, लिहाजा उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद हाल ही में कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए नवीन जिंदल को टिकट दिया गया है। वहीं हिसार से हरियाणा सरकार में मंत्री और निर्दलीय विधायक रणजीत चौटाला को मौका दिया है। इस सीट पर वर्तमान में ब्रजेंद्र सिंह बीजेपी के सांसद थे, लेकिन उनके कांग्रेस में जाने के बाद रणजीत पर दांव खेला गया है। बात अम्बाला सीट की करें तो ये सुरक्षित सीट है, लिहाजा दिवंगत बीजेपी सांसद रतनलाल कटारिया की पत्नी पर भरोसा जताया गया है। कटारिया का निधन हो गया था, इसके बाद कहा जा रहा है बीजेपी की कोशिश है सिंपैथी वोट बटोरना, लिहाजा इस सीट से ऐसे उम्मीदवार के तौर पर उनकी पत्नी बंतो कटारिया को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं सिरसा से सांसद सुनीता दुग्गल की टिकट काट दी गई है और यहाँ से हाल ही में आम आदमी पार्टी छोड़कर आए अशोक तंवर पर दांव खेला गया है। इन सभी सीटों पर जातीय समीकरण के बारे में आपको बताएं तो सबसे पहले करनाल सीट से शुरू करते हैं, क्योंकि यह हरियाणा की सबसे हाई प्रोफाइल सीटों में से एक है। बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को यहां से चुनावी समर में उतारा है। इसके पीछे दो वजह बताई जा रही हैं। पहली, मनोहर लाल पंजाबी चेहरा, वे खत्री समुदाय से संबंध रखते हैं। दूसरी वजह, पिछले करीब 9.5 साल से बतौर मुख्यमंत्री वह हरियाणा की सियासत में मजबूत चेहरा रहे हैं। करनाल में सबसे ज़्यादा 2 लाख वोटर पंजाबी समुदाय के हैं, लगभग इतनी ही संख्या जाट मतदाताओं की है। वहीं तीसरे नंबर पर 1.5 लाख ब्राह्मण वोट हैं, जबकि अंत में करीब 1,20,000 रोड बिरादरी और बाकी जाट सिख हैं। ऐसे में बीजेपी का पूरा जोर खत्री ब्राह्मण और बाकी वोट बैंक पर है, लिहाजा नॉन जाट की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा मनोहर लाल हैं। यही कारण है कि बीजेपी ने मनोहर लाल को यहाँ से महफूज प्रत्याशी के रूप में देखते हुए उन्हें टिकट दिया है। उधर दूसरी सीट की बात की जाए तो हिसार से बीजेपी से ब्रजेंद्र सिंह सांसद थे, उनके कांग्रेस में शामिल होने के बाद हरियाणा सरकार में मंत्री और निर्दलीय विधायक रणजीत सिंह चौटाला को बीजेपी ने पहले पार्टी में शामिल कराया, फिर टिकट दे दी। कहा जा रहा है बीजेपी की कोशिश है चौटाला परिवार की सियासत में सेंध लगाना। सिरसा को चौटाला परिवार की सियासत का गढ़ माना जाता है। हरियाणा में कभी चौटाला परिवार सियासत की दशा दिशा तय करता था। यही वजह है कि JJP के अलग होने के बाद भी बीजेपी यह मैसेज नहीं देना चाहती कि चौटाला परिवार से उनकी कोई नाराजगी या दूरी है। ऐसे में हिसार से रणजीत चौटाला के जरिए बीजेपी जाट मतदाताओं में अपनी पैठ बनाएगी। उधर अम्बाला सुरक्षित सीट को लेकर कहा जा रहा है कि बीजेपी की तुलना में कांग्रेस यहाँ बेहतर स्थिति में है। पिछले 17 लोकसभा चुनाव में से 9 बार कांग्रेस ने जीत हासिल की है, जबकि 5 बार बीजेपी जीती, लेकिन पिछले 2 लोकसभा चुनाव 2016 और 2019 में बीजेपी ने रतनलाल कटारिया को टिकट दी और वे यहां से जीतकर संसद पहुंचे। पिछले चुनाव में रतनलाल ने कांग्रेस की दिग्गज नेत्री कुमारी सैलजा को हराया था। अगली लोकसभा सीट सोनीपत की बात करें तो बीजेपी ने 2 बार से सांसद रहे रमेश कौशिक का यहाँ से टिकट काट दिया है और राय से विधायक और बीजेपी के प्रदेश महामंत्री मोहनलाल बड़ौली को मौका दिया है। हालांकि यहाँ से पहलवान योगेश्वर दत्त का भी नाम सुनने को मिल रहा था, लेकिन वे चुनाव नहीं लड़े। अब बात करते हैं हरियाणा की दूसरी हाई प्रोफाइल सीट रोहतक की। तो बीजेपी ने एक बार फिर जाट और नॉन जाट समीकरण को देखते हुए रोहतक में ब्राह्मण कार्ड खेल दिया है, लिहाजा एक बार फिर मौजूदा सांसद अरविंद शर्मा को टिकट दिया गया है। शर्मा
25 साल में तीसरी बार हुड्डा परिवार के खिलाफ मैदान में उतरने जा रहे हैं। पहले 1999 में रोहतक लोकसभा सीट पर भूपेंद्र हुड्डा और 2019 में दीपेंद्र हुड्डा के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं। शर्मा ही वो उम्मीदवार थे जिन्होंने भाजपा को 5 साल पहले रोहतक से जिताया था, जब दीपेंद्र हुड्डा के खिलाफ बहुत कम वोटों के अंतर से वे चुनाव जीतने में कामयाब रहे थे। शर्मा को मैदान में उतारने का कारण जातिगत समीकरण है। इसी फॉर्मूले से बीजेपी ने पिछले लोकसभा चुनाव में भी रोहतक से पहली जीत हासिल की थी। हालांकि चर्चा है कि पार्टी ने विकल्प पर मंथन किया, लेकिन शर्मा ही मजबूत चेहरा बनकर फिर सामने आए। दरअसल रोहतक पर कुल मतदाताओं की संख्या 16 लाख से ज्यादा है। इनमें सबसे ज्यादा करीब 6.25 लाख जाट वोटर हैं, जबकि 2,98,000 अनुसूचित जाति के वोटर हैं, 1,70,000 यादव वोटर, 1,24,000 ब्राह्मण वोटर और 1,08,000 पंजाबी वोटर हैं। जातिगत समीकरण को देखते हुए बीजेपी ने ब्राह्मण प्रत्याशी पर भरोसा जताया है। हालांकि रोहतक लोकसभा क्षेत्र को हुड्डा परिवार का गढ़ कहा जाता है। हुड्डा परिवार के लोग यहां से 9 बार सांसद चुने गए हैं। बहरहाल बात कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट की करें तो नवीन जिंदल 2 बार पहले यहां से सांसद रह चुके हैं। वे कांग्रेस की टिकट पर 2004 से 14 के बीच सांसद चुने गए, हालांकि अब उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। लिहाजा बीजेपी से नवीन जिंदल को टिकट मिलने के बाद मुकाबला और रोचक हो गया है। यहाँ से इनेलो के महासचिव अवैध चौटाला और इंडिया गठबंधन से डॉक्टर सुशील गुप्ता पहले ही चुनावी ताल ठोंक चुके हैं। वर्तमान में इस सीट से नायब सैनी सांसद थे जो अब मुख्यमंत्री बन चुके हैं, लिहाजा सीएम सैनी के सिर पर दोबारा ये सीट बचाने का दबाव होगा। वहीं कुरुक्षेत्र सीट पर भी जाति समीकरण का असर देखने को मिलता है। यहाँ कुल मतदाता 18 लाख हैं, इनमें सबसे ज्यादा जाट मतदाताओं की संख्या है। आंकड़ों के मुताबिक इस सीट पर 14% जाट वोटर हैं। इसके साथ ही 4% जाट सिख मतदाता हैं। दूसरे नंबर पर ब्राह्मण और सैनी मतदाताओं की संख्या 8-8% है, जबकि पंजाबी समुदाय के 6% मतदाता हैं और अग्रवाल समुदाय के 5% मतदाता हैं। इस सीट पर रोड वोटर भी काफी खासा प्रभाव रखते हैं, जिनकी संख्या 3% है। वहीं सामान्य वर्ग से संबंध रखने वाले मुस्लिम मतदाताओं की संख्या भी 0.5% है। इसी प्रकार ईसाई मतदाताओं की संख्या भी 0.5% है। राजपूत मतदाताओं की संख्या भी 1.5% है। उधर गुरुग्राम लोकसभा सीट की बात करें तो बीजेपी ने एक बार फिर राव इंद्रजीत सिंह यादव पर दाव खेला है। यहाँ हमेशा से ही यादवों का दबदबा रहा है, लिहाजा इस सीट पर राव इंद्रजीत का प्रभाव होने की सबसे खास वजह यही है कि वो यादव हैं। वहीं भिवानी महेंद्रगढ़ से भाजपा ने धर्मवीर चौधरी को टिकट दी है। धर्मवीर 2014 और 2019 में भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे। तीसरी बार फिर से धर्मवीर पर ही भाजपा ने दाव खेला है। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट के भी जातीय समीकरण आपको बता देते हैं तो 3,60,000 जाट मतदाता हैं, 2,60,000 यादव मतदाता हैं। परिसीमन के बाद यादव बाहुल्य की 4 विधानसभा सीटें भिवानी लोकसभा क्षेत्र में शामिल हो गई हैं। इस सीट पर राजपूतों के 91,000 वोट हैं, जबकि अनुसूचित जाति के 1,42,000, ब्राह्मण समुदाय के 1,34,000, धानक समुदाय के 67,000, खाती समुदाय के 52,000, कुमार जाति के 50,000 और सैनी जाति के 34,000 वोटर किसी भी उम्मीदवार का भाग्य बदलने में अहम साबित होते हैं। उधर फरीदाबाद लोकसभा सीट पर लगातार 2 बार लोकसभा चुनाव जीत चुके कृष्णपाल गुज्जर को बीजेपी ने एक बार फिर मौका दिया है। कहा जाता है कि पीएम मोदी और अमित शाह से उनकी काफ़ी नज़दीकियां हैं, ऐसे में तीसरी बार फरीदाबाद से उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। आखिरी सीट सिरसा पर आएँ तो यहाँ बीजेपी ने अशोक तंवर को प्रत्याशी बनाया है। तंवर 24 साल की राजनीतिक करियर में 4 पार्टियां बदल चुके हैं। लंबा राजनीतिक करियर होने के साथ ही उन्हें अच्छा अनुभव भी है, साथ ही तंवर का सिरसा में खुद का वोट बैंक भी है। बीजेपी ने इसी के चलते उन पर भरोसा जताया है। टिकट मिलने का बड़ा कारण क्षेत्र में उनकी सक्रियता और अनुसूचित जाति का बड़ा चेहरा भी होना है। तंवर के बारे में कहा जाता है कि पिछले 15 सालों में बिना किसी पद के सिरसा में सक्रिय राजनीति कर रहे हैं। सिरसा में जाति समीकरण की बात करें तो यहाँ 7.5 लाख के करीब अनुसूचित जाति, 7,25,000 जाट, 3,25,000 जाट सिख और 1,82,000 पंजाबी समुदाय, जिसमें खत्री अरोड़ा मेहता शामिल हैं। वहीं 1 लाख से ज़्यादा बनिया, 87,000 कम्बोज, 85,000 ब्राह्मण, 55,000 बिश्नोई, 48,000 पिछड़ा वर्ग, कुमार सैनी, अहिर, गुज्जर, खाती, सुनार और 1,30,000 अन्य वोटर हैं, जिसमें मुस्लिम, क्रिश्चियन, जैन शामिल हैं। बहरहाल
ये तो था हरियाणा की सभी लोकसभा सीटों का हाल, जहां इस बार क्या समीकरण बन रहे हैं वो हमने आपको बताया। ऐसे में कहा जा रहा है कि इस बार लोकसभा चुनाव दिलचस्प होने की उम्मीद है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। शुक्रिया।